ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को राज्य में कोविड 19 की स्थिति पर गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए कि मास्क गमछा न पहनने वाले व्यक्तियों पर सख्ती बरते तथा मौके पर ही चालान काटते समय उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5-5 मास्क वितरित करें। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मास्क नहीं पहनता है तो उसे यह संदेश भी दिया जाए कि भविष्य में किसी भी समय चालान की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी जाएगी। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व रेवाड़ी जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की स्थिति में नियंत्रण है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में कम एक कोरोना टेस्टिंग लैब खोली जानी चाहिए, जहां पर एंटीजन टेस्टिंग के बजाय आरटीपीसीआर प्रणाली से टेस्टिंग की सुविधा हो। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि 4 जिलों के सरकारी अस्पतालों और 5 मेडिकल कॉलेजों में एक एक नई लैब अगले 10 दिन में खोली जाए। वर्तमान में प्रतिदिन 9500 टेस्ट किए जा रहे हैं और नई लैब्स खुलते ही ये संख्या 20,000 तक हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रक्षाबंधन व ईद के त्योहारों को देखते हुए बसों में यात्रियों की संख्या पहले की तरह 35 रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि लॉकडाउन के दौरान पहले जिस प्रकार सादगी से त्योहार मनाए हैं, उसी प्रकार रक्षाबंधन व अन्य त्योहार भी मनाए। भाई बहन अपना संदेश मोबाइल व ई राखी के माध्यम से भेजे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक्वेट हॉल आदि में शादी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश अनुसार एक साथ 50 से अधिक की संख्या नहीं होनी चाहिए। इस पर पुलिस विभाग व शहरी स्थानीय निकाय विभाग विशेष नजर रखे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समारोह के लिए लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंक्वेट हॉल के मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। पहली बार उल्लंघन करने पर 1,00,000 रुपए जुर्माना, दूसरी बार 3,00,000 रुपए तथा 2 से अधिक बार करने पर 5,00,000 रुपए। अगर फिर भी उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोविड 19 के दौरान श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने के हरियाणा सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों तथा श्रमिकों के अनुभव पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी अनिल राव व पुलिस अधीक्षक पंकज नैन द्वारा संकलित पुस्तक संवेदना का विमोचन भी किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए चंडीगढ़ से संदीप कुमार की रिपोर्ट।